मेरे प्यारे बच्चों, चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन से स्टूडेंट को कितने मार्क्स पर कहां पर सीट मिल सकती है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जो कट ऑफ बताई थी वो 585 मार्क्स जनरल कैटेगरी की बताई थी। कैटेगरी की सभी की कट ऑफ मैंने बता दी है, आप वीडियो जरूर देख लेना एक बार कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है 21 के लिए। अब जिन कैंडिडेट के 585 मार्क्स से अबव हैं, यही मान के चल रहे हैं हमें, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। इसके अलावा जो डाउन नंबर के स्टूडेंट हैं, जिनके कम मार्क्स हैं, जिनको गवर्नमेंट मिलने के चांसेस नहीं हैं, तो अगर वो बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। अभी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से काफी डाउन जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो वो अपनी स्टेट में ट्राई कर लें। अब बात करते हैं कि 585 मार्क्स से डाउन वाले स्टूडेंट को कहां सीट मिल सकती है, कितनी फीस पर सीट मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें यूपी स्टेट की। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश स्टेट। काफी प्राइवेट कॉलेजे हैं, टोटल 24 प्राइवेट कॉलेज नॉन माइनॉरिटी की हैं और 5 प्राइवेट कॉलेज माइनॉरिटी कोटा की हैं, तो टोटल 29 कॉलेजेस हैं यूपी स्टेट में। इनमें 4100 सीट्स हैं। तो फीस की बात करें तो जो इसकी 2020 में फीस थी वो सबसे डाउन फीस 10,40,000 रही थी और सबसे ज्यादा फीस की कॉलेज रही थी इसमें 14,75,000। तो इस साल अगर फीस इंक्रीज भी होती है तो 1-1.5 लाख के नियर बाय इसकी फीस इंक्रीज हो सकती है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है, लेकिन जो इसमें हॉस्टल की फीस है वो वहां की गवर्नमेंट ने 1,50,000 रुपए फिक्स कर दी है। 3 लाख रुपए सिक्योरिटी होगी, उसके अलावा 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा अदर चार्जेस होंगे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती है यूपी में। तो ये काफी पॉपुलर स्टेट है एमबीबीएस की प्राइवेट कॉलेज के लिए। कट ऑफ इसमें काफी डाउन जाती है, यानी कि 200 मार्क्स तक आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन यहाँ की एक खास बात यह है कि फर्स्ट राउंड में ही आपको ये सीट लेनी होगी, उसके बाद कट ऑफ इंक्रीज होती जाती है। सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में इसमें कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज के उसमें सर्च कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहे हैं और आपके मार्क्स कम हैं, तो आप यूपी को जरूर ध्यान में रखिएगा। 200 मार्क्स तक या फिर 190 मार्क्स तक भी इसमें फर्स्ट राउंड में सीट मिल सकती है। तो ये तो हो गया सीन यूपी का। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार स्टेट ओपन स्टेट है, हम यहाँ ओपन स्टेट की ही बात कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, दूसरे स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इसमें बिहार की बात करें तो बिहार भी ओपन स्टेट है, लेकिन यहाँ बहुत कम प्राइवेट कॉलेजेज हैं। फीस इनकी बिहार की 7,38,000 से स्टार्ट हुई थी 2020 में, 29 में भी यही फीस थी। इसके बाद में जो मैक्सिमम फीस है वो 15,50,000 रुपीज है इसमें 2020 में। इस बार हो सकता है इंक्रीज हो, इंक्रीज होगी तो वो 10% के नियर बाय ही इंक्रीज होने की संभावना है। कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट राउंड में काफी ज्यादा कट ऑफ जाती है, सेकंड राउंड में भी काफी कट ऑफ जाती है, लेकिन मोपअप राउंड में कट ऑफ काफी कम रहती है। मोपअप राउंड में कट ऑफ काफी कम रहने का मतलब यह है कि बिहार स्टेट की जो मोपअप राउंड की काउंसलिंग है वो थोड़ा लेट होती है, बाकी जगह की काउंसलिंग हो जाती है, तो बच्चे बाकी जगह प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे यूपी वगैरह स्टेट में ले लेते हैं या फिर अदर स्टेट में एडमिशन ले लेते हैं। इसलिए इसकी कट ऑफ भी इसके नियर बाय ही जाती है मोपअप राउंड में। यहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज भी हैं, कटिहार है, बाकी जैसे जैसे आप फीस बढ़ती जाएगी कट ऑफ कम होती जाएगी। प्राइवेट कॉलेजों का यही है, जैसे जैसे फीस बढ़ती रहेगी कट ऑफ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे फीस कम रहेगी कट ऑफ बढ़ती रहती है। ये प्राइवेट कॉलेज का है।
यूपी में ले सकते हैं, बिहार में ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल ओपन स्टेट है लेकिन यहाँ की फीस काफी ज्यादा है। बिहार वेस्ट बंगाल की फीस काफी ज्यादा होने के कारण यहाँ की कट ऑफ भी काफी कम रहती है। उत्तराखंड की फीस ज्यादा है, पांडिचेरी की फीस भी ज्यादा है। इसके अलावा ओपन स्टेट जो है आप हरियाणा में भी ट्राई कर सकते हैं, उसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक सी रहती है। 10 लाख पिछली बार इसकी फीस थी, अब की बार 12 लाख होने की संभावना है। इसके अलावा जो बाकी डिमांडिंग स्टेट हैं, जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, इसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये स्टेट से इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। हालांकि ये दो स्टेट अभी कर्नाटका और केरला में पिछली बार फीस इंक्रीज हुई थी, उस वजह से कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज हुई है, वो अलग कारण था। इसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट हैं, इनमें आप ट्राई कर सकते हैं। फीस इसमें 10 से 12 लाख के बीच में पड़ती है, तो देख लेते हैं इसमें। केरला में भी पिछली बार फीस का इश्यू हुआ था, इस बार एक बार फीस का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कितनी फीस रहती है इसकी केरला की। तो ये 4 स्टेट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें एजुकेशन जो हम कर्नाटका का देखें तो काफी अच्छा एजुकेशन है, कितनी किसकी कट ऑफ जाएगी, क्या फीस रह सकती है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, और भी स्टेट हैं ओपन स्टेट के, आप पंजाब में भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, तीनों स्टेट में ट्राई कर सकते हैं। 12.5 लाख तकरीबन इनकी फीस है, 400 मार्क्स के नियर बाई इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा डिम्ड यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर सकते हैं। डिम्ड यूनिवर्सिटी का भी ऐसा ही सीन है, उसमें भी ऐसा होता है कि जितनी कम फीस होगी उतने ज्यादा मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। केएमसी की फीस बढ़ चुकी है, मणिपाल, मैंगलोर और टाटा की भी फीस बढ़ चुकी है, तो लेकिन उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो इतनी डाउन जाने के चांसेस नहीं है। सबसे कम डिम्ड फीस हमदर्द है, जो पिछली बार 12 लाख थी, हो सकता है इस बार कुछ इंक्रीज हो, तो डिम्ड वो फीस के अकॉर्डिंग है। सबसे हाई फीस की डीआर डीवाई पाटिल कॉलेज है, तो आप ये डिम्ड में भी एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग योर मार्क्स। तो इस प्रकार से आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, अगर आप इसकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। क्या बाकी जो जानकारी है मैंने बुक में पूरी दे रखी है, कौन से कॉलेज की पिछले साल कितनी फीस रही थी, क्या प्रीवियस ईयर में 19 में और 20 में क्या कट ऑफ रही थी, तो आप डाउनलोड करके उससे भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बुक का लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको जानकारी समय समय पर दे दी जाएगी। मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।